नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव हो तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका। आपको रोजाना बच्चों को 5 नए इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग सिखाना है और शुरुआत में जो आप वर्ड्स बच्चों को करवाएंगे वह ऐसे होने चाहिए जो बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हो, जैसे कि फैन, लाइट, टेबल, चेयर, बेड, बाथरूम, किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, फ्लोर, अलमीरा, कोई भी ऐसे वर्ड जो बच्चों की डेली लाइफ से, डेली रूटीन लाइफ से जुड़े हैं, ऐसे 5 वर्ड्स आप बच्चों को बताएंगे, उनका हिंदी मीनिंग बताएंगे और फिर लेंगे एक रफ कॉपी जो कि खाली होगी, उसमें आप उन 5 वर्ड्स को पहले लिखेंगे और उनका मतलब लिखेंगे बच्चों को साथ बिठाकर। अब अगले दिन आप बच्चों को फिर से नए 5 इंग्लिश के वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो एक दिन पहले आपने 5 वर्ड्स करे थे आप उनका करवाएंगे प्रैक्टिस। जी हाँ, उन वर्ड्स का होगा रिविजन जो एक दिन पहले करे थे और नए वर्ड सिखाए जाएंगे। अगर आप 1 महीने तक ऐसा कर पाए तो महीने के आखिरी तक बच्चे सीख जाएंगे नए 150 इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि 150 नए अंग्रेजी शब्द बच्चों को आ जाएंगे और बच्चों की वोकैबुलरी एक ही महीने में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैंने भी खुद अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इसी तरीके से इंप्रूव करी है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने बच्चों की इंग्लिश वोकैबुलरी को इसी तरीके से इंप्रूव करिए। अगर कोई और परेशानी आ रही है आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वह क्या इशू है, उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।